दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में आपने कई बार सुना होगा, क्या आप जानते हैं डिस्क पार्टीशन क्या होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिस्क पार्टीशन क्या होता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत का अर्थ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्क पार्टीशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डिस्क पार्टीशन कैसे काम करता है। मान लो आपके पास कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क है। अगर आप उस हार्ड डिस्क को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि आप हर पार्ट के लिए अलग अलग बनाना चाहते हैं, जैसे अगर म्यूजिक के लिए अलग, मूवीज के लिए अलग, सॉन्ग्स या फिर कोई दूसरे और सॉफ्टवेयर के लिए अलग हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल होते वक्त या फिर इंस्टॉल होने के बाद भी आप उन्हें पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉल होते वक्त आपको सीधे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि उसमें आप कितने पार्टीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ विंडो इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें जो सर्च बार है उसमें जाकर आप डिस्क पार्टीशन टाइप करेंगे तो आपको डिस्क पार्टीशन ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप डिस्क पार्टीशन बना सकते हैं। मगर बात करते हैं डिस्क पार्टीशन की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क है, अगर कभी उसमें विंडो क्रैप हो जाता है तो उसके अंदर जितना भी सेव डेटा है वो आपका चला जाता है। मगर आपने अगर डिस्क पार्टीशन बनाया हुआ है, यानी यूज हार्ड डिस्क कई टुकड़े किए हुए हैं, मान लो 1 TB की हार्ड डिस्क आपने 4 टुकड़े कर दिए 250 GB के, तो एक से जो पहला पार्टीशन हुआ उसमें तो हुआ आपका विंडो, बाकी जो 3 पार्टीशन है उसके अंदर आपकी काम की फाइलें आ गई। आप इनमें से तीनों में जो इसको चाहो उसको आप हाईली सिक्योर कंप्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। मगर बात करें जो पहली पार्टीशन है अगर उसमें आपको विंडो है, अगर कभी आपको विंडो क्रैप हो जाता है या फिर कोई वायरस आ जाता है तो आप उसे फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो बाकी के 3 पार्टीशन हैं उनके साथ कोई भी उन्हें जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, सिर्फ जो पहला पार्टीशन है उसके अंदर ही विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। ये होते हैं डिस्क पार्टीशन। ये इसी का के कारण होता है कि आगे आगे विंडो में जितने भी आगे पार्टीशन में फाइलें पड़ी हैं वो डिलीट नहीं होती, सिर्फ जो लोकल डिस्क सी है यानी जिसमें आपने विंडो इंस्टॉल किया है सिर्फ वही पार्टीशन डिलीट होता है। ये होते हैं डिस्क पार्टीशन। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा और पता चल चुका होगा डिस्क पार्टीशन क्या होता है, उसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।